अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मरहूर टीवी। पाक फजाइया JF-17 तैयारों में अहम तब्दीली करने जा रही है। पाक फजाइया JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में रूसी इंजन RD-93 को WS-13 से रिप्लेस करने का इरादा रखती है, जिसे चाइना ने तैयार किया है, ताकि इन तैयारों की रफ्तार और ज़्यादा वजन उठाने की सलाहियत में इजाफा किया जा सके। दोस्तों, ब्लॉक 2 की शमूलियत के बाद ब्लॉक 1 ज़ाहरी तौर पर मंजरे आम से तो गायब है, लेकिन पाक फजाइया इन तैयारों को ब्लॉक 2 के शाना बशाना इस्तेमाल कर रही है। चंद दिन पहले 23 मार्च की रिहर्सल के दौरान JF-17 की एक फार्मेशन में JF-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और JF-17 डबल सीटर को देखा जा सकता है। पाक फजाइया JF-17 ब्लॉक 3 में रूसी साख्ता RD-93 MA इंजन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब चाइना ने WS-13 नामी इंजन तैयार कर लिया है, जिनको JF-17 और FC-31, जिसे J-31 भी कहा जाता है, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में RD-93 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि MiG-29 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले RD-33 का वर्जन है। चाइना ने अपने 5th जनरेशन FC-31 तैयारों के लिए भी रूसी साख्ता RD-93 इंजन का इंतखाब किया था, लेकिन चाइना ने WS-13 इंजन को डेवलप करके खुद कफालत हासिल कर ली है। अब चाइना को रूस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2007 में जब चाइना ने RD-93 इंजन JF-17 में लगाकर पाकिस्तान को दिए, तो रूस ने कहा कि चाइना रूसी इंजन को किसी दूसरे मुल्क को हमारी इजाज़त के बगैर फरोख्त नहीं कर सकता। असल में भारत ने रूस को कहा कि चाइना ने रशिया चाइना डील की खिलाफवर्जी की है। भारत के रूस के साथ तलकात भी अच्छे थे, इसलिए रूस ने चाइना को इंजन की फरहमी मुअत्तल कर दी थी, लेकिन 2009 के आखिर में तलकात दोबारा बहाल हो गए। अहम बात अब यह है कि चाइना WS-13 इंजन बना चुका है और इन इंजन को JF-17 के तमाम ब्लॉक्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से JF-17-1 और ब्लॉक 2 की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।